हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक कुमार उत्तम और स्वागत है आप सभी का मेरे रिव्यू चैनल पर। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मूवीज के बारे में। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है दृश्यम, जिसके 2 पार्ट बने हैं। इसमें होता है एक खुशहाल परिवार, लेकिन इनकी खुशी गम में तब बदल जाती है जब उस परिवार की एक लड़की से किसी का मर्डर हो जाता है। अब उस लड़की का पिता उसे कैसे बचाता है, यही आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। धैर्य क्या होता है, ये मूवी बताएगी। ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इसकी दूसरी पार्ट यानी कि दृश्यम 2 वो अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है रथशासन। इसमें एक बीमार किलर टीनेज लड़कियों से दोस्ती करके उसे बुरी तरह से मार डालता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हाथों में लगती है। वो इसे कैसे पकड़ते हैं वो इस मूवी में देखने को मिलेगा। ये मूवी अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। तीसरे नंबर पर आती है मोनिका ओ माय डार्लिंग। इस मूवी में सस्पेंस बैक टू बैक खुलता है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ये मूवी देखकर बहुत ही मजा आएगा और इसमें आप बीच बीच में कन्फ्यूज भी हो जाओगे। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। चौथे नंबर पर आती है अंधाधुन। इस मूवी में हमें एक पियानो प्लेयर दिखाया जाता है जो अंधे होने की एक्टिंग करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब वो कुछ नहीं देख पाता तब वो म्यूजिक में ज़्यादा अच्छे से घुल पाता है, मगर उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब वो अपनी आँखों से एक मर्डर देख लेता है। अब इसके आगे क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। पाँचवें नंबर पर आती है हसीन दिलरुबा। इस मूवी के स्टार्टिंग में एक ब्लास्ट दिखाया जाता है जिसमें एक शख्स की जान भी चली जाती है। वो शख्स कौन था, उसकी मौत हुई या उसका मर्डर किया गया, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इसका क्लाइमेक्स बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।